हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं तीन ऐसे लोग जिन्होंने आते ही अपने सॉन्ग के साथ ये धमाल मचा दिया कि सॉन्ग आते ही ट्रेंडिंग हो चुका है। चलिए बात करते हैं राघव, शिविंग और अपूर्व से। राघव, वेलकम ऑन दैनिक जागरण। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, कैसा लग रहा है फैंस का इतना ज्यादा प्यार देखकर, क्योंकि सॉन्ग तुरंत ही आते ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है, मिलियंस व्यूज आ चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब मेरे को सोचा था, मैं कल एक रात पहले सो नहीं पाया था कि क्या होगा गाने का, चलेगा नहीं चलेगा। जैसे गाना आया, सब व्यूज अच्छे आ गए, सबको अच्छा लगा, मेरे सब फैमिली फ्रेंड को अच्छा लगा, मेरे फॉलोअर्स को भी अच्छा लगा, इन लोगों के फॉलोअर्स को भी बहुत अच्छा लगा। वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं वीडियो में, दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। डायरेक्टर जो करण अंजन, उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया है, जो मेरी सबने अच्छे काम किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये राघव ऐसा लग रहा है कोई ऐसे एकदम पैराग्राफ रट के आया था। हाँ, सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छे, एकदम सब बढ़िया, सब बहुत अच्छे है, सब अच्छा लग रहा है। सच्ची में भाई, अभी अभी तो मेरे रट चुका है ना, कल से वो। हाँ, कल सेम चीज है। यस यस, शिविंग बैक टू बैक सॉन्ग किए जा रहे हैं आप, क्या सॉन्ग से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि कुछ और आप ट्राई नहीं करना चाहते? भैया, अब तो मैं सिर्फ सॉन्ग में ही नजर आने वाला हूँ, कुछ ऐसी चाहत हो चुकी है क्या सॉन्ग्स के साथ बैक टू बैक? सॉन्ग्स के साथ आप ये कह सकते हैं यहाँ कि सॉन्ग में आपको एक्चुअली करने को बहुत कुछ मिलता है। एक छोटे से टाइम में आप क्रिएटिवली काफी चीजें कर सकते हैं। अगर आप किसी शो से या फिल्म से या वेब सीरीज से जुड़ते हैं तो उसका कमिटमेंट काफी लंबा होता है, लेकिन जब तक आप कुछ ऐसा लॉन्ग कमिटमेंट कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो, एंड अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छे गाने आ रहे हैं आपके पास, सो आई गेस इट्स द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। एंड आजकल लोग तो रोज ही अपने, देखा जाए, अपने मोबाइल से जो रील्स बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, वो तो पूरा दिन, हम तो बेचारे एक म्यूजिक वीडियो एक महीने में करते हैं, वो तो एक दिन में ही पांच पांच छह छह म्यूजिक वीडियो अपने घर पे बना लेते हैं खुद की, चाहे वो किसी और के गाने हो या कुछ हो। तो वी जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग ओरिजिनल, और वो भी हमारा वायरल ओरिजिनल पे है गाना। सो या वी आर लकी दैट वे। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे तीन वजह इस सॉन्ग को करने के लिए, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर सॉन्ग को लेकर अगर मैं पसंद करने की बात करूँ सॉन्ग को, ऐसे तीन चीज जो आपको ऐसे लगी कि नहीं यार मुझे ये सॉन्ग करना चाहिए? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, बिकॉज जब गाना आया था मेरे पास वायरल ओरिजिनल की तरफ से, एंड दे सेंट द सॉन्ग, दे कॉल्ड मी, दे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू मी, एंड देन मुझे गाना भेजा गया, एंड बाय देन शिविन वॉज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, and I knew that Raghav has been making some good music and he's been singing some amazing songs, aur bahut pyari awaaz hai, aur ye sab mujhe pata tha already. Fir mujhe bataya gaya ki Karan Anshuman is directing this, and I don't just know him as a filmmaker, I know him from his movie review days also. Yeah. So, मैं पढ़ती थी बचपन में, and I was really like, I used to really look forward to those, and I loved what he used to write, and I even remember the last review he wrote before he started making films. तो मेरे लिए it was like coming a full circle कि this is someone whose reviews I used to look forward to, and now I'm getting a chance to work with him. He's been making some great content, so why not? Secondly, मुझे म्यूजिक वीडियोस करने में जो मजा आता है ना, इट्स सो फन. लाइक शिविन सेड कि आप एक छोटी स्टोरी, एक छोटे उसमें आप स्टोरी बता रहे हो पूरी की पूरी, एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट ब्यूटिफुली ताकि आप जो सॉन्ग ऑलरेडी अच्छा है उसमें आप विजुअली कुछ अपना डाल के, यू नो, यू try to tell a story. So I enjoy music videos. कुछ मिनटों का एक सॉन्ग किया है, पर आप दोनों की जोड़ी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जैसे हमने यूट्यूब पे कुछ ऐसे कमेंट्स देखे, आप लोग की जोड़ी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उस तरह के रिएक्शन को देखकर कि बस कुछ मिनटों का ही वीडियो होता है, बताइए आप लोग चार दिन का शूट करते हैं, पर लोगों को वो जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, उसके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूंगी कि इवन दो हम शूट पे पहली बार मिले और हमने फर्स्ट टाइम ही साथ में शूट किया, it's great that people are liking the chemistry. मतलब हमने कुछ add किया है अपना. I'm very happy that it's been accepted. क्योंकि as actors, कभी कभी you have to give it a lot more than what's needed, because दिखाना है that this couple has been dating for a long time, they've been living together. वो create करना है हमें, और हमने एक proper conversation भी शायद नहीं की होगी, time नहीं मिला, जैसे shoot पे सीधा मिल गए हम, तो वो फिर परफॉर्मेंस के थ्रू ही लाना पड़ता है, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वो परफॉर्मेंस वर्क कर गई हमारे लिए, एंड पीपल लव्ड अस एज अ कपल ऑन स्क्रीन। मैं आप तीनों से जरूर जानना चाहूंगी, एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज जिससे दूर जाने का गम आप लोगों को आज तक है? मुझे आई रिग्रेट के कई कई दोस्त होते हैं जो जैसे एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बाद कभी दोस्त नहीं रह पाते या शायद इतना टाइम नहीं मिल पाता। जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा लॉकडाउन से बहुत हुआ है, दूरियां जो मेरी बनी है,
कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मिल नहीं पाया हूँ, कई जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास जा नहीं पाया हूँ ट्रैवलिंग रीजंस की वजह से, तो वैसी दूरियां काफी चल रही है मेरी लाइफ में। अपूर्वा आप बताइए आपकी लाइफ की कोई ऐसी दूरियां जो आप शेयर करना चाहेंगी अपने फैंस के साथ। ऐसी तो एक भी नहीं है जो मैं रिग्रेट करूं। वंस इवन फ्रेंड्स मतलब इफ पीपल ड्रिफ्ट अपार्ट दे ड्रिफ्ट अपार्ट फॉर मी, एफर्ट डाल दिया हो गया वैसा वाला है मेरा। बट हाँ क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से काम कर रही हूँ और मैं दिल्ली से हूँ और मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी बहुत जल्दी, तो आई यूज टू लिव अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो वो मेरे को बस लगता है कि वो एक बहुत अर्ली एज से क्योंकि मैं दूर हो गई। इवन दो ऐसा नहीं है कि कभी आना जाना नहीं हुआ, मिलना नहीं हुआ, बट एक जो नॉर्मल सिचुएशन होती है जहाँ पे माँ बाप और बच्चा साथ में रहते हैं, बच्चा स्कूल जाता है ये वो, सो दैट आई फील कि आई माइट मिस, मतलब अगर कुछ बोलना ही है तो आई वुड गो फॉर दिस, अदरवाइज इट्स नॉट समथिंग दैट आई फील बैड अबाउट। बट हाँ अब तो मैं बिल्कुल ही अलग रहती हूँ अपनी फैमिली से, तो वो वाली दूरियां हैं जो मैं मतलब बहुत ये मुझे लगता है कि है मेरी लाइफ में मम्मी पापा से। राघव आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये देखो ये बहुत सीरियस बोल दिया इन लोगों ने, मैं इतना सीरियस नहीं बोलूंगा, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मेरा क्या है। मैं आधा जिंदगी मेरठ में रहा हूँ, मैं आधा जिंदगी दिल्ली में रहा हूँ, उसके बाद में बॉम्बे आया, तो मेरठ और दिल्ली में ना वेज पफ्स मिलते हैं जो इधर मिल ही नहीं सकते। मैं सीआर पार्क रहता था, वहां से मैं लाजपत में जाता था, और दिल्ली और मेरठ में एक हमारा एक बेकरी है, वहां पे वेज पफ मिलता है पूरे दुनिया जहां में हो सकता, तो मैं बहुत दूरियां है मेरी, मतलब मैं बहुत मिस करता हूँ यार, मैं उस चीज को बहुत मिस करता हूँ, मतलब हाँ किसी मतलब अभी मैं खाने से ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करता लाइफ में मेरा ऐसा है। दैनिक जागरण के फैंस को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज 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 जिन्होंने देख लिया उनको थैंक यू, और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज जाके हमारा सॉन्ग दूरियां देखें वायरल ओरिजिनल्स पर, और बहुत प्यार दे गाने को, एंड पहले गाना देखें और जितने भी उनके लव्ड वंस हैं उनको उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें जो शायद दूर हो चुके हैं। डन, ये लगता है यही सबका सबका है, सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ओके थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू, बाय बाय।